लोकायुक्त पुलिस इंदौर द्वारा एक बड़ी कार्यवाही की गई है, जहां श्रम विभाग में पदस्थ बाबू नायाब ब्राह्मणों को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त DSP प्रवीण वघेल ने बताया कि फरियादी जय नारायण गुप्ता निवासी गोंगावा ने मकान के नक्शे को लेकर श्रम विभाग में पदस्थ बाबू को अपने कागजात दिए थे, जिनने 5,000 रुपये की रिश्वत की मांग की, जिसकी शिकायत की। ये गोगावा के रहने वाले हैं जयनारायण गुप्ता। इनके द्वारा अपने बेटे के लिए एक क्लिनिक बनाया गया है, जो इनके जो जिसमें निवास का घर है उसी में बनाया गया, उसका रिनोवेशन किया गया। इस संबंध में जो है श्रम विभाग से इन्हें एक पत्र प्राप्त हुआ था, उस पत्र की प्राप्ति के बाद जो है ये अपने जिला श्रम अधिकारी खरगोन से आकर मिले, तो जो है श्रम अधिकारी ने इन्हें कहा कि आप संबंधित जो क्लर्क हैं उनसे संपर्क कर लें, वो इस संबंध में आपकी जो है जो भी समस्या होगा उसको दूर कर देंगे। तो नारायण ब्रह्मणे सहायक रेट 2 जो श्रम कार्यालय में पदस्थ थे, उन्होंने कहा कि जो है ये आपको इसका टैक्स भरना पड़ेगा, और टैक्स की राशि लगभग 60,000 रुपये के आसपास होती है। अगर आपको ये 60,000 रुपये नहीं भरना है तो कुछ खर्चा पानी करना पड़ेगा। इस पे जो है उनकी डील हुई और 7,000 रुपये की रिश्वत लेना तय हुआ। वो चूंकि रिश्वत नहीं देना चाहते थे, तो उन्होंने लोकायुक्त SP साहब को शिकायत करी। मंडे को जो है लोकायुक्त SP साहब द्वारा इसमें रिकॉर्डिंग कराई गई। रिकॉर्डिंग सही पाए जाने पर आज जो है ट्रैप दल का गठन किया गया, और जो श्रम विभाग में पदस्थ नारायण ब्रह्मणे हैं उनको 5,000 रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए अभी रंगे हाथों पकड़ा गया है। क्या कार्रवाई की जाएगी सर? इन पर जो है हम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संशोधित 2018 की धारा 7 के अंतर्गत अभी कार्रवाई कर रहे हैं। सर क्या नाम लिखता पूरा? मैं DSP प्रवीण सिंह बघेल, लोकायुक्त इंदौर से। मेरा नाम जयनारायण पिता नच्चूलाल गुप्ता, निवासी गोगावा है। मेरे को श्रम पदाधिकारी जिला अधिकारी ने एक नोटिस दिया था कि आप उस पर जमा करो। मैं इनसे मिला, इन्होंने बाबू के पास ब्राह्मणे के पास बार बार भेजा, इनसे 4 बार मिला, फिर बाबू के पास, और बाबू ने मेरे से कहा कि मामला निपटाने के लिए आपको 5,000-6,000 रुपये रिश्वत देना पड़ेगी। तो मैं 6,000 रुपये रिश्वत देना नहीं चाहता था और मेरा काम करवाना चाहता था। फिर 4 तारीख को मैं विजिलेंस गया और शिकायत की। वहाँ से 5 तारीख को विजिलेंस के ऑफिसर आए, मेरे साथ टेप किया टेप रिकॉर्ड में, और उसके बाद आज पार्टी बना करके आए और टेप करवा दिया 5,000।